कि जिस तरीके से हरियाणा में रुझान बदले, ऐसे में बीजेपी मुख्यालय में भव्य जश्न की तैयारी। शाम 6 बजे पार्टी ऑफिस जा सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। बीजेपी ऑफिस में पीएम मोदी का संबोधन संभव माना जा रहा है। जश्न की तैयारियां जो है वो बीजेपी मुख्यालय पर शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे पार्टी ऑफिस जा सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, जहां पर उनका संबोधन भी हो सकता है। तो देखिए, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से ऋषभ तिवारी जुड़ चुके हैं। ऋषभ जी, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी परिवारवाद का मुद्दा उठा देती है, तमाम मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठाए जाते हैं, लेकिन वो एक बार अपनी पार्टी में झांक कर नहीं देखते। उन्होंने भी तो किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को उतारा है, वो भी तो परिवारवाद ही है। ऋषभ जी, आवाज मिल पा रही है? ठीक है, ऋषभ जी को आवाज नहीं मिल पा रही है, तब जी, तक मेरी आवाज आ रही है मैम? ठीक है, मैम बिल्कुल ऋषभ जी आपकी आवाज आ रही है। जी ऋषभ जी, आपकी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आपको? बात रखिए, मेरी तो ठीक है। ऋषभ जी को आवाज नहीं मिल पा रही, तब तक आप ये तस्वीरें देखिए, जश्न की ये तस्वीरें दिखा रही हैं, किस तरीके से जश्न की जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर से ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं। एनसी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहां पर जश्न मनाते हुए शहद रसूल बताइए क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं आज? हम आज अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि 10 सालों बाद आज हमें मौका मिला है। पिछले 10 सालों में आपको पता होगा कश्मीर कितना पीछे चला गया, न कि आगे आ गया। आज हम इसलिए सेलिब्रेट करें कि आज हमारी अपनी गवर्नमेंट बन रही है और हमारे सारे मुद्दे जो भी काम हो गए वो अब मसले मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 10 साल से हमने कश्मीरियों ने, हर एक कश्मीरी, वो चाहे जम्मू से हो या कश्मीर से, उसे खाली सितम देखा है और कुछ नहीं देखा है। इंशाल्लाह रहमान अब की बार हमारी सरकार आएगी, इंशाल्लाह रहमान सारे मसले अब हल हो जाएंगे, इंशाल्लाह रहमान बना पाएगी और बहुत बड़े बहुमत से बना पाएगी हम।